हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लासिक साइंस का चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप के क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, तो वही आज हम करने वाले हैं। होप आपने इससे पहले वाले 3 चैप्टर्स भी अच्छे से किए होंगे मेरे साथ, और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी आप देख चुके होंगे। जल्दी से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये वाला फ्लो चार्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन। डिफाइन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फ्लोट, सिंक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सॉल्युबिलिटी एंड नॉन सॉल्युबिलिटी। इन सब की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, जिसे हमारा हर एक क्वेश्चन, हर बार पहला क्वेश्चन डिफाइन होता है, वैसे इस बार भी पहला क्वेश्चन डिफाइन है। आपको इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। और इसमें एक डेफिनेशन नहीं है, वो है मेटल्स की, तो मेटल की डेफिनेशन भी आप ज़रूर ऐड कर लेंगे। मैंने आपको बुक में मेंशन कराई थी, मेटल्स की डेफिनेशन भी आप ऐड कर लेंगे तो आपका डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा करना, अपनी एनसीईआरटी खोलना, उसके पीछे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे से टिक मार्क वाले हैं तो वो वाले आप कर सकते हो, और मैचिंग वगैरह हैं उसमें थोड़ी बहुत, तो वो वाले आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, क्योंकि आप सबके पास एनसीईआरटी तो है, तो इसलिए आप वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पिक वन मटेरियल दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। इन चारों में से कोई एक ऐसा मटेरियल बताओ जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर मिल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि जिसको हम वाटर से अलग बाद में नहीं कर सकते। चॉक पाउडर को अलग किया जा सकता है, तो ये तो नहीं है। टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती को अलग किया जा सकता है, ये भी नहीं है। कोकोनट ऑयल, ऑयल को तो अलग कर सकते हैं, ये भी नहीं है। ग्लूकोज है जो पानी में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल आर नॉन लस्ट्रस, इनमें से नॉन लस्ट्रस कौन सी, यानी कि ऐसी मटीरियल जिनमें शाइन नहीं होती। गोल्ड में तो शाइन होती है, तो ये नहीं है। सिल्वर में भी होती है, डायमंड में भी होती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, वुड। ये इसका आंसर है, वुड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, वॉट इज ग्रुपिंग, इज ऑयल सॉल्यूबल इन वाटर। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल का तो ये मतलब कि ग्रुपिंग की क्यों ज़रूरत होती है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखा था। वॉट इज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या होता है, सबसे पहले देखा था। और इज ऑयल सॉल्यूबल इन वाटर, क्या पानी के अंदर ऑयल पूरी तरीके से मिल जाता है, क्या हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है नो, हम ऑयल को अलग कर सकते हैं, वो नॉन सॉल्यूबल होता है। नेम टू गैसेज सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसी 2 गैसेज बताओ जो पानी के अंदर सॉल्यूबल है। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, ऑक्सीजन बताई थी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ओके, पूरा पूरा लिखेंगे आप, O2 और CO2 नहीं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस हैं जो पानी के अंदर मिल जाती हैं। वाई इज अ टम्बलर नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लोथ, यानी कि हम ग्लास को, किसी बर्तन को, क्लोथ का यानी कपड़े का क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते। अभी क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करी, ये थोड़ा सा ना ऐसा है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद फ्रेम करके लिखोगे। पीस की स्पेलिंग गलत हो गई, PIEC आएगा। ओके, तो हम क्यों नहीं बनाते कपड़े का, क्योंकि अगर हम कपड़े का कोई बर्तन बनाएंगे तो हम उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो गिर जाएगी, इसलिए, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो चीज़ों को होल्ड करके रख सके, ठीक है। उसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम किसी भी टम्बलर को कपड़े का नहीं बनाते। स्टील, ग्लास, एल्युमिनियम, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आप होप आप सारे चैप्टर्स मेरे साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ। और अगर अभी भी आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फिर आप किसका वेट कर रहे हो। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।